बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ यू लव मी, डू यू लव मी? टेल मी, डू यू लव मी? इफ यू लव मी देन आई लव यू टू। वाह गुजरा वाला, वाह गुजरा वाला, क्या समा बांधा है आपने, क्या समा बांधा है। ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, ये असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है। क्यों मैं गलत कहता हूं बोलो गुजरांवाला वालों, नौजवानों जरा हाथ खड़ा करके बताओ, असल पाकिस्तान की यूथ ये है या कोई और है? कितने हो, कितने हो जो 30 साल से छोटी उम्र के हो, जरा हाथ खड़ा करो। 30 से कम वाले, 30 उम्र में 30 से कम वाले हाथ खड़ा करो। वो कहते हैं यूथ हमारे साथ है, वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं और गरीबों का ख्याल करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमने करप्शन कम की है, और ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी, सिर्फ करप्शन सबसे कम नहीं थी, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, और आटे की कीमत भी सबसे कम थी, और फिर चीनी की कीमत भी सबसे कम थी, घी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। थी या नहीं थी बोलो, क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? लोड शेडिंग भी हमने खत्म की, और पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म हो रही थी, और डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी, और स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे चली गई, तरक्की की रफ्तार 6% हो गई। आईएमएफ ने कहा, जब हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा, तो आईएमएफ कहता है कि जी पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो आइंदा पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन देखो शूमी एक किस्मत, बस पलवानों, बस ठहर जाओ, बस करो, मन गए थे पलवान हो, आज मैं भी पग पाई है। और सुनो, मुझे पता है कि आप
माशाल्लाह बहुत जोश खरोश है आप में, लेकिन दौर याद करो जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी और ये धरने कर रहे थे, ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, हम बिजली के कारखाने बना रहे थे, हम मोटरवे बना रहे थे। ये शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बेहतरीन तरक्की के काम किए हैं, ओवरहेड ब्रिज शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, ये सारे तरक्याती काम शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किए, नाम वो मेरा लगा रहे हैं, काम सारे खुद किए हैं और कह रहे हैं नवाज शरीफ ने करवाए हैं। चलो भाई शहबाज शरीफ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका शहबाज शरीफ साहब। ये बिजली के कारखाने भी शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए थे, मोटरवे भी शहबाज शरीफ साहब बनवा रहे थे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, दावे से भाई सुनो, गुजरांवाला वाले मेरे भाइयों सुनो, पहलवानों तुसी भी सुनो मेरी गल, मेरे बदाम ना पिया करो, गल भी सुनया करो मेरी। तो अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। भाई ठहर जो, नहीं, कोई नारा नहीं भैया, अभी ठहर जो, मेरी बात सुनो जल्दी। आप लेट आए हो, आप इस स्टेडियम में लेट आए हो, और अब हमने मगरिब से पहले पहले हेलीकॉप्टर ने जाना है, तो मैं जल्दी खत्म करूंगा, मेरे बाद मरियम नवाज शरीफ ने बात करनी है। तो अगर वो दौड़ रहता, भाई अगर वो दौर रहता, मैं दावे से कहता हूं अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह से डर के कहता हूं, अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहां मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता, आज हर एक के पास एक बाइज्जत रोजगार होता, लोग खुशहाल होते, एक दूसरे से उधार ना मांगते होते, अपना गुजारा बड़ी आसानी के साथ कर रहे होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते। नवाज शरीफ के दौर में छोटी जो गाड़ियां थी 5 से 10 लाख रुपए में आती थी, 5 से 10 लाख रुपए में आती थी या नहीं आती थी, और मोटरसाइकिल 70,000 रुपए का मिलता था, 70,000 रुपए का, कौन सा वाला, क्या नाम यार, नाम होंडा 70, होंडा 70 70,000 रुपए में, त्रेट कहते 63,000 रुपए में। और भाई ठीक है, मैंने कह दिया प्रोड पेट्रोल 63 रुपए लीटर था। और किसानों, अगर किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का था, आज 38 लाख रुपए का है, और यूरिया और डीएपी बहुत सस्ती थी उस जमाने में। मेरे भाव आज तो बिजली का बिल नहीं दिया जाता, बोलो बिजली का बिल दे सकते हो आज, कितना जुल्म किया है पाकिस्तान पर हमने, कितना जुल्म किया है। नवाज शरीफ का दौर सस्ता तरीन दौर था, 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, 10-10 रुपए किलो, 4 रुपए की रोटी, आज कितने की रोटी है बोलो, 20-25 रुपए की रोटी और नान है, बताओ कितना जुल्म ढाया है इन्हें गरीब अवाम के ऊपर। नवाज शरीफ के दौर में 104 रुपए डॉलर था, आज कितने का बोलो यार, 290 रुपए का डॉलर है, ये जुल्म ढाया ही नहीं ढाया बोलो। मायूसी का खात्मा खुशहाली का आगाज हो, शेर पे मोर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो,
पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन नौजवानों घबराओ मत, घबराओ मत, हम बस बस ठीक है, पहल बस 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 आखिरी बात कर रहा हूं मैं, आखिरी बात, जरा ठहर जाओ। देखो घबराना नहीं है, शहबाज शरीफ भी यहां बैठा है, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, हमारी पार्टी के लोग भी आपके सामने हैं, ये मेरे पीछे भी है, मेरे पार्टी के लोग खड़े हैं, ये भी है कोरम दस्तगीर भी है, वृक्ष साहब भी हैं, और हमारे अपने पूमी साहब भी हैं, भट्ट साहब भी हैं, इमरान खान, और इसी तरह से हमारे जो हैं वो किधर है भाई, सारे हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के पाकिस्तान अपने पाँव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक के आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक के आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, बिजली सस्ती करेंगे हम इंशाल्लाह, ये मोटरवे बनाएंगे, ये जीटी रोड को भी मोटरवे बनाएंगे इंशाल्लाह, हम गुर्बत खत्म होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान से, और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, अभी शहबाज साहब ने आपको जो कहा है इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। शेर पे मोर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अपनी जात